नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक मेटाफिजिकल पॉइट जॉर्ज हर्बर्ट की एक पोयम दी पुली के बारे में। देखिए इससे पहले मैं जॉर्ज हर्बर्ट की 2 से 3 पोएट्रीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों जॉर्ज हर्बर्ट एक मेटाफिजिकल पॉइट थे और ये रिलीजियस पोएट्री सीखना ज्यादा पसंद करते थे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियोस में बताया है। और इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये पोएट्री भी इनकी एक रिलीजियस पोएट्री है। इनकी पोएट्रीज की खास बात यह होती थी कि ये बहुत ही छोटी छोटी पोएट्रीज लिखा करते थे और जब भी आप इनकी पोएट्रीज पढ़ोगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे आंखों के सामने ही सारे दृश्य चल रहे हैं। दोस्तों जॉर्ज हर्बर्ट की 2-4 ऐसी पोएट्रीज हैं जो आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और पुल्ली भी इनमें से एक है। और इसके टाइटल पुल्ली का मतलब है अपनी तरफ खींचना। पुल का मतलब आप समझते हो पुल और पुश, पुश का मतलब दबाना और पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। रिलीजियस मीनिंग है, यानी कि गॉड अपनी तरफ अपने बंदों को कैसे खींचता है। तो दोस्तों आज हम इसी पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि पॉइंट इस पोयम में क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, लेट्स बिगिन। अब देखना दोस्तों, आप महसूस करोगे कितना सुंदर लिखते थे जॉर्ज हर्बर्ट। फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब ईश्वर ने पहली बार मनुष्य को बनाया। मेटाफिजिकल पोएट्री है तो सीरियस मत लेना, ये एक मेटाफिजिकल पोएट्री की तरह ही समझो। आगे बोलते हैं, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, तो उसके पास एक ग्लास था जिसमें ब्लेसिंग्स भरी हुई थी। किसके पास वो ग्लास था? ईश्वर के पास। जब ईश्वर ने पहली बार मनुष्य को बनाया तो ईश्वर के पास एक ऐसा ग्लास था जिसमें ब्लेसिंग्स भरी हुई थी। आगे बोलता है पोएट, लेट अस सेड ही, कि ईश्वर ने कहा। किसने कहा? ईश्वर ने कहा। क्या कहा? पावर ऑन हिम ऑल वी कैन, लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डेस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इन टू ए स्पन। मतलब ईश्वर ने कहा किसी से कि हम ये जो क्रिएचर बना रहे हैं मनुष्य नाम का प्राणी, इसमें हम वो सब कुछ डालेंगे, वो सब कुछ इसको देंगे जो हम इसको दे सकें। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, जो भी कुछ हम इसको दे सकें। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमको क्या समझ में आया कि गॉड ने जब पहली बार मनुष्य को बनाया तो गॉड के पास एक ग्लास था ब्लेसिंग्स से भरा हुआ। तो गॉड ने कहा कि इस ग्लास में जितनी भी ब्लेसिंग्स भरी हुई है हम इस मनुष्य नाम के प्राणी पे उड़ेल देंगे। यहाँ पे ये जो शब्द है PoUR, इसका मतलब होता है उड़ेलना। हम इस जीव को वो सब कुछ देंगे जो हम दे सकें। तो दोस्तों आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम सेकंड स्टैंजा की तरफ। आगे की लाइनों में कवि बोलता है, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, देन ब्यूटी फ्लॉड, देन विजडम ऑनर प्लेजर। इसका मतलब तो सबसे पहली चीज ईश्वर ने मनुष्य को क्या दी। यहां कवि बोलता है, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, सबसे पहली चीज मनुष्य को स्ट्रेंथ दी गई। तो ईश्वर के द्वारा सबसे पहली चीज मनुष्य को शक्ति दी गई, स्ट्रेंथ। देन ब्यूटी फ्लॉड, देन विजडम ऑनर प्लेजर, तो फिर बाद में ब्यूटी दी गई, फिर विजडम दी गई, ऑनर दिया गया, प्लेजर दिया गया। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, जब सब कुछ पूरा उड़ेल दिया गया उस ग्लास में से गॉड के द्वारा मनुष्य के ऊपर, जब सब कुछ उड़ेल दिया गया मतलब सब कुछ खत्म होने वाला था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, गॉड मेड अ स्टे, मतलब गॉड रुक गए। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले, मतलब जो भी कुछ गॉड उस पर उड़ेल रहे थे, जो भी कुछ उस पर डाल रहे थे, उसका कुछ हिस्सा ग्लास में बाकी रह गया। ग्लास के बॉटम में यानी कि निचले हिस्से में, आपने देखा होगा कभी हम चाय पीते हैं तो पूरी नहीं पीते, थोड़ी सी बचा देते हैं, बस वही हिस्सा बाकी रह गया मनुष्य पे डालना। तो वो हिस्सा क्या था, वो हिस्सा क्या था मनुष्य की लाइफ का, ये तो आगे हमें पता चलेगा, जो गॉड ने अपनी इच्छा से नहीं डाला मनुष्य के ऊपर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट लाइन्स में पॉइंट कहता है, फॉर इफ आई शुड सेड ही, कि गॉड ने कहा अगर मैं, बेस्टो दिस जूल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, ये आखिरी गहना, एक तरह से एक आखिरी गहने की तरह जो लास्ट उस ग्लास में रह गया था ब्लेसिंग्स का बचा हुआ पार्ट, वो भी अगर मैं अपने क्रीचर मनुष्य पे डाल देता हूँ, सो ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टीड ऑफ मी, तो वो मुझसे ज़्यादा उन गिफ्ट्स को पूछेगा जो मैंने उसे दिए हैं, मेरे बजाय उन गिफ्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा।
And dressed in nature, not the god of nature. So both should losers be. अच्छा, आपके हिसाब से वो आखिरी चीज क्या हो सकती है? मतलब कौन सी चीज ना देने की बात कर रहे हैं ईश्वर हमें? हम सब जानते हैं वो चीज क्या है। आज अंबानी के पास कितना पैसा है, दूसरे बिलियनर्स के पास कितना पैसा है, बिल गेट्स के पास कितना पैसा है, सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है सुख चैन। तो वो सुख चैन वो आखिरी चीज थी जो ईश्वर मनुष्य को नहीं देना चाहते थे। कितना भी कमा लो लेकिन ऐसे लगता है कि अभी कुछ बाकी है, रेस्ट नहीं आता, अंदर से बेचैनी सी महसूस होती है और हम गॉड की शरण में जाते हैं, हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और ईश्वर यही चाहता है कि मनुष्य को ये रेस्ट नाम की चीज नहीं मिले ताकि वो मुझे नहीं भूले। तो गॉड इन लाइंस में बोलता है कि ये चीज अगर उसे मिल गई तो वो मुझे नहीं पूछेगा, और अगर मुझे नहीं पूछेगा तो मैं और वो दोनों लूजर्स कहलाएंगे। तो गॉड की क्रिएशन यानी कि मनुष्य और खुद गॉड दोनों लूजर्स कहलाएंगे। सो बोथ शुड लूजर्स बी। तो अब हम चलते हैं फाइनल स्टेंजा की तरफ। येट लेट हिम कीप द रेस्ट। तो आगे कवि बोलता है कि गॉड बोलते हैं इस आखिरी चीज को रहने ही दो, बट कीप देम विथ रिपिनिंग रेस्टलेसनेस। लेट हिम बी रिच एंड वियरी, दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वियरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। ईश्वर ने हमें कितनी चालाकी से बनाया है। तो ईश्वर को पता था कि हमें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। तो ईश्वर यहां कहते हैं कि यही रेस्टलेसनेस अगर इसमें रहेगी तो ये मेरे पास आएगा, और जब मेरे पास आएगा तो मैं इसे गले से लगा लूंगा, एक बाप अपने बच्चे को जैसे गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार निकल के ये आता है कि अगर हम गॉड की बनाई हुई चीजें हैं, गॉड के बनाए हुए क्रिएचर्स हैं, तो हमें गॉड को नहीं भूलना चाहिए। और मनुष्य की जो ये रेस्टलेसनेस है, ये कुछ बेचैनी है, कुछ अधूरा अधूरापन सा लगता है, इसी चीज को इस पोयम में बताया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।